टेली ईआरपी 9 का ये हमारा थर्ड पार्ट है और आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे कि टेली ईआरपी 9 में कंपनी कैसे बनाते हैं, कंपनी को बनाने के बाद उसको एडिट यानी ऑल्टर कैसे करते हैं, कंपनी को शट कैसे करते हैं और कंपनी को डिलीट कैसे करते हैं। टेली ईआरपी 9 में आप कोई भी काम तब तक नहीं कर सकते जब तक कि आप एक कंपनी क्रिएट ना कर लो। तो कंपनी क्रिएट करना टेली ईआरपी 9 का सबसे फर्स्ट स्टेप होता है जो कि आज के इस वीडियो में हम डिटेल्स में सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। टेली को हम दो तरीकों से ओपन कर सकते हैं। स्टार्ट बटन पर क्लिक करेंगे और मेन्यू में सबसे नीचे आपको टेली का ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए यह है टेली ईआरपी 9। या तो हम इस पर क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं या फिर हम यहाँ से इसको उठाकर यहाँ पर एक शॉर्टकट बना सकते हैं जिससे बाद में कभी भी हम बस स्टार्ट पर क्लिक करेंगे और यहाँ क्लिक करके इसको ओपन कर सकते हैं। दूसरा तरीका यह है कि आप यहाँ पर सर्च करेंगे टेली, आपके सामने टेली ईआरपी 9 आ जाएगा, आप बस एंटर करेंगे तो यहाँ पर टेली ओपन हो जाएगा। टेली ओपन होने के बाद आप W प्रेस करेंगे एजुकेशन मोड में जाने के लिए, इसके बाद आप एंटर करेंगे तो आप यहाँ एजुकेशनल मोड में आ जाएंगे। टेली स्क्रीन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले यहाँ पर ये है टूल बार जिसमें आपको प्रिंट, एक्सपोर्ट, ईमेल, अपलोड, टेली शॉप, लैंग्वेज, कीबोर्ड, कंट्रोल सेंटर, सपोर्ट सेंटर और हेल्प के ऑप्शन दिए गए हैं। दूसरा पार्ट है ये वर्किंग एरिया जिसमें हम अपना काम करते हैं। थर्ड है यहाँ पर कैलकुलेटर, आप यहाँ पर देख सकते हैं। कैलकुलेटर लाने के लिए आप यहाँ कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे तो आपके सामने कैलकुलेटर आ जाएगा और आप यहाँ पर कुछ भी कैलकुलेट कर सकते हैं, जैसे कि 45 = 90। तो यहाँ पर आप कैलकुलेटर का यूज़ कर सकते हैं। कैलकुलेटर को हाइड करने के लिए आप यहाँ क्लोज पर क्लिक करेंगे, ये हाइड हो जाएगा। इसको शो करने के लिए या तो आप यहाँ पर क्लिक करेंगे, ये यहाँ पर आ जाएगा, या फिर आप कंट्रोल प्लस एन प्रेस करेंगे तब भी यहाँ पर कैलकुलेटर आ जाएगा। फोर्थ पार्ट है बटन बार, यहाँ पर जो भी ऑप्शन हम एक्टिवेट करके रखते हैं उससे रिलेटेड फीचर्स आते हैं कि हम क्या क्या कर सकते हैं और कैसे कर सकते हैं। जैसे कि अभी हमने कुछ भी ऑप्शन यहाँ पर एक्टिवेट नहीं किया हुआ है तो ये बिल्कुल ब्लैंक है। तो टेली स्क्रीन को 4 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। फर्स्ट है टूल बार जहाँ आपको अलग अलग तरह की टूल्स मिल जाती है। सेकेंड है वर्किंग एरिया जहाँ पर हम वर्क करते हैं। थर्ड है कैलकुलेटर जहां पर हम कैलकुलेशन कर सकते हैं और फोर्थ है बटन बार जहां पर हमें अलग अलग तरह के फीचर्स मिलते हैं जो भी ऑप्शन हमने एक्टिवेट किया हुआ है उससे रिलेटेड। टेली में वर्क करने के लिए सबसे पहले हमें एक कंपनी क्रिएट करनी होती है। कंपनी क्रिएट करने के लिए यहां हम क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप देख रहे हैं कि कुछ लेटर्स बोल्ड हैं जैसे कि SLCBRQ, ये बोल्ड है तो इसका मतलब ये है कि ये शॉर्टकट है। जैसे कि अगर आपको कंपनी क्रिएट करनी है तो या तो आप क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे, ये बस आप अपने कीबोर्ड से प्रेस कर दीजिए सी। प्रेस करते ही यहाँ पर देखिए क्रिएट कंपनी का ऑप्शन आ चुका है। तो जितने भी बोल्ड वर्ड्स होते हैं वो सब शॉर्टकट होते हैं। जैसे कि यहाँ पर देखिए ईमेल करने के लिए M, एक्सपोर्ट के लिए E, प्रिंट करने के लिए P, अपलोड के लिए O। जहाँ पर भी आपको इस तरह के बोल्ड लेटर्स मिलेंगे समझ जाना कि वो एक शॉर्टकट है। कंपनी क्रिएट करने के लिए सबसे पहले आप लोकेशन चूज करेंगे कि आप अपनी कंपनी का डेटा कहाँ पर रखना चाहते हैं। यहाँ पर ये डिफॉल्ट है कि सी ड्राइव में यूजर नाम का एक फोल्डर है, उसमें पब्लिक नाम का एक फोल्डर है, उसमें tele.erp9 नाम का एक फोल्डर है और उसमें डेटा नाम का एक फोल्डर है। वहाँ पर आपकी पूरी डिटेल्स सेव होगी। इसको हम यहाँ पर जा करके देख सकते हैं। सी में जाएंगे, यूजर्स में जाएंगे, पब्लिक में जाएंगे, टेली ईआरपी 9 में जाएंगे, यहाँ पर डेटा और यहाँ पर जो भी हम कंपनी क्रिएट करेंगे उसमें जितना भी डेटा होगा वो सब यहाँ पर आ जाएगा। यहाँ पर देखिए यही एड्रेस वहाँ पर एंटर किया गया है। लेकिन अगर आप लोकेशन को चेंज करना चाहते हैं तो फिर आप वहाँ पर जाएंगे जिस लोकेशन में आप उसको रखना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारे कंप्यूटर की ड्राइव में एप्स नाम का एक ड्राइव है, एच ड्राइव, और हम यहाँ पर उसको रखना चाहते हैं तो यहाँ पर क्लिक करेंगे और इसको कॉपी कर लेंगे। एड्रेस को कॉपी करने के बाद आप यहाँ पर आएंगे, इसको डिलीट करेंगे। इस लोकेशन का नाम है h:// तो यहाँ पर हम यही लोकेशन टाइप करेंगे h:// तो अब हमारी कंपनी में जितना भी वर्क होगा वो सब यहाँ पर सेव होगा एच ड्राइव में। तो इस तरीके से यहाँ पर आप लोकेशन को चेंज कर सकते हैं।
इसके बाद यहाँ पर हम अपनी कंपनी या शॉप का नाम डालेंगे, जिस नाम से भी हम कंपनी क्रिएट करना चाहते हैं। जैसे कि यहाँ पर हम डाल देते हैं ईशान कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड। नीचे यहाँ पर प्राइमरी ईमेलिंग एड्रेस आ जाएगा, तो मेलिंग नेम तो आपकी कंपनी का नाम आ जाएगा, लेकिन अगर आप चाहें तो इसको चेंज कर सकते हैं। और यहाँ पर आपको फुल एड्रेस डालना होगा। यहाँ पर हमने एड्रेस डाल दिया है, यहाँ पर आप स्टेट चूज कर लेंगे। स्टेट पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो यहाँ पर आपको सभी स्टेट्स की लिस्ट मिल जाएगी। जैसे कि यहाँ पर हम चूज कर लेते हैं उत्तर प्रदेश, इस पर क्लिक करेंगे, यहाँ पर देखिए उत्तर प्रदेश आ चुका है। अब आप यहाँ पर पिन कोड डालेंगे। इसके बाद आपको अपनी कंपनी की कॉन्टेक्ट डिटेल्स देनी होगी, जिसमें पहले तो आप फोन नंबर डालेंगे, इसके बाद आप यहाँ पर मोबाइल नंबर डालेंगे, इसके बाद आप यहाँ फैक्स नंबर डालेंगे अगर कोई है, इसके बाद यहाँ पर आप ईमेल एड्रेस डालेंगे, यहाँ पर आप अपनी कंपनी की वेबसाइट डाल देंगे। जैसे कि हम टाइप कर देते हैं ICA किरतपुर.com, टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर हम फाइनेंशियल ईयर कब से शुरू हो रहा है वो डाल देंगे। फाइनेंशियल ईयर और बुक्स बिगिनिंग ईयर, ये दोनों सेम भी हो सकते हैं और अलग अलग भी हो सकते हैं, क्योंकि फाइनेंशियल ईयर हमेशा 1 अप्रैल से स्टार्ट होता है। जैसे कि हमारे केस में यहाँ पर हम डाल देते हैं 1 अप्रैल 2019। यहाँ बुक्स बिगिनिंग ईयर है, यहाँ पर आप वो डेट डालेंगे जिस डेट से आपकी कंपनी स्टार्ट हुई है, तो यहाँ पर हम डाल देते हैं 8 मंथ, इसके बाद नेक्स्ट करेंगे। यहाँ पर अगर आप चाहें तो कोई पासवर्ड चूज कर सकते हैं, पासवर्ड आप यहाँ पर डालेंगे। इससे क्या होगा कि जब भी आप कंपनी को ओपन करेंगे तो आपको पासवर्ड डालना पड़ेगा। अगर आप कोई पासवर्ड यहाँ पर चूज करते हैं, जैसे कि हमने यहाँ पर डाल दिया है 123456, तो ये उसको बता रहा है कि काफी वीक है, तो आपको यहाँ पर काफी स्ट्रांग पासवर्ड लगाना होगा। इसके बाद टैप प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपको अपने पासवर्ड को दोबारा से टाइप करना होगा। इसके बाद टैप प्रेस करेंगे, नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर है यूज सिक्योरिटी कंट्रोल्स, आप यहाँ पर और भी सिक्योरिटी को यूज कर सकते हैं। अब ये नो है, अगर आप यस करना चाहते हैं तो आप सिंपल वाई प्रेस करेंगे, यहाँ पर ये यस हो जाएगा। लेकिन हमें यहाँ पर और सिक्योरिटी कंट्रोल यूज नहीं करने हैं, तो हम बैक प्रेस करेंगे और वापस आ जाएंगे, और यहाँ पर हम टाइप करेंगे एन और एंटर करेंगे तो ये नो हो जाएगा। तो यहाँ पर किसी भी डिटेल में बैक जाने के लिए आप बैक स्पेस बटन को प्रेस करेंगे। जैसे कि यहाँ पर हम जाना चाहते हैं वेबसाइट पर, तो यहाँ पर हम आ गए हैं। ईमेल आईडी पर जाने के लिए एक बार फिर से बैक स्पेस बटन को प्रेस करेंगे। तो इस तरीके से आप बैक जा सकते हैं, और टैब प्रेस करके आप नेक्स्ट जा सकते हैं, और किसी भी चीज़ को डिलीट करने के लिए आप डिलीट बटन का यूज़ करेंगे। इसके बाद टैब प्रेस करते हुए नीचे आ जाएंगे, यहाँ पर आपको करेंसी सिंबल डालना होगा, किस करेंसी में आप अपनी कंपनी का लेन देन करना चाहते हैं। फिलहाल ये रुपी है, आप यहाँ कोई भी करेंसी सिंबल डाल सकते हैं। अब नीचे यहाँ पर आप उस करेंसी का फॉर्मल नेम टाइप करेंगे, जैसे कि रुपी का फॉर्मल नेम होता है INR, डॉलर का होता है USD, तो इस तरीके से आप यहाँ पर टाइप करेंगे। अमाउंट में आप कोई सिंबल चाहते हैं, अगर नो रखना है तो रहने दीजिए, अगर यस करना है तो वाई प्रेस करके टैब प्रेस करेंगे। अमाउंट और सिंबल के बीच में आपको कोई स्पेस रखना है, इसको हम यस कर देते हैं। अमाउंट्स को मिलियंस में शो करना है, अगर नहीं करना तो नो रहने दीजिए, अगर करना है तो आप यहाँ वाई प्रेस करेंगे, वाई हमने प्रेस किया, इसके बाद टैब प्रेस करेंगे तो ये यस हो जाएगा। कितने डेसिमल्स आप रखना चाहते हैं, आमतौर पर 2 रखे जाते हैं, हम इसको ऐसे ही छोड़ देंगे। इसके बाद आप टैब प्रेस करेंगे तो यहाँ पर कंपनी की सारी डिटेल्स आ चुकी है, और आप कंपनी क्रिएट करने के लिए आपको यस या नो करना होगा। अगर आप नो करना चाहते हैं तो आप एन प्रेस करेंगे, लेकिन अगर आप यस करना चाहते हैं तो या तो आप यस पर क्लिक कर दीजिए, या आप सिंपल अपने कीबोर्ड से वाई प्रेस कर दीजिए। वाई प्रेस करते ही आपकी कंपनी यहां पर क्रिएट हो जाएगी, और क्योंकि हमने अपनी कंपनी पर पासवर्ड लगाया है, तो अब कंपनी ओपन करने के लिए हमें यहां पर अपना पासवर्ड डालना होगा, जो भी हमने चूज किया था। पासवर्ड डालने के बाद एंटर करेंगे तो यहां पर देखिए कंपनी ओपन हो चुकी है, आप यहां देख सकते हैं ईशान कंप्यूटर प्राइवेट लिमिटेड, और अभी तक हमने इसमें किसी भी वाउचर की एंट्री नहीं की है। और जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई ऑप्शन हम एक्टिवेट करते हैं तो उससे रिलेटेड काफी सारे फीचर्स यहाँ बटन बार में आ जाते हैं, तो अभी जैसे कि हमने कंपनी ओपन कर ली है तो यहाँ पर काफी सारे फीचर्स आ गए हैं कि आप कंपनी को सिलेक्ट कर सकते हैं, शट डाउन कर सकते हैं, आप उसकी डेट पीरियड चेंज कर सकते हैं, और आप कंपनी की इंफॉर्मेशन भी देख सकते हैं। कंपनी की इंफॉर्मेशन देखने के लिए आप Alt+F3 प्रेस करेंगे। इसके बाद अगर हम कंपनी की डिटेल्स को एडिट करना चाहते हैं, कुछ चेंज करना चाहते हैं, तो हम यहाँ अल्टर पर क्लिक करेंगे, या फिर अपने कीबोर्ड से हम प्रेस करेंगे A, तो यहाँ पर कंपनी का नेम आ जाएगा, आप यहाँ सिलेक्ट करेंगे। अगर एक से ज़्यादा कंपनीज हैं तो आप चूज करेंगे कि किस कंपनी में आप एडिटिंग करना चाहते हैं।
जैसे कि हम इसको चूज करके एंटर करते हैं तो यहाँ पर कंपनी ओपन हो चुकी है। इसके बाद हम यहाँ टैब प्रेस करते हुए उसी फील्ड में आएंगे जिसको हम चेंज करना चाहते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ फोन नंबर चेंज करना चाहते हैं तो बैक स्पेस में आएंगे और यहाँ पर जो भी फोन नंबर हम डालना चाहते हैं वो डालेंगे। इसके बाद टैब प्रेस करते आएंगे। इसके बाद यहाँ हम पासवर्ड को चूज नहीं करते हैं, हम इसको नो रहने देते हैं क्योंकि हमें बार बार पासवर्ड डालना पड़ेगा अगर यहाँ पर हम पासवर्ड को सेट करेंगे। इसके बाद हम टैब प्रेस करते हुए आएंगे और यहाँ एक्सेप्ट में यस पर क्लिक करेंगे या वाई प्रेस करेंगे तो यहाँ पर आपकी कंपनी की इंफॉर्मेशन एडिट हो चुकी है, अल्टर हो चुकी है। तो यहाँ पर कोई भी कंपनी क्रिएट करने के लिए आप बस क्रिएट कंपनी पर क्लिक करेंगे या फिर आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे सी तो यहाँ पर आपके सामने क्रिएट कंपनी की स्क्रीन आ जाएगी। यहाँ पर आप कंपनी का नाम डालेंगे, सभी डिटेल्स आप फिल करेंगे जैसे कि मैंने आपको बताया है। इसके बाद आप टैब प्रेस करते हुए सबसे नीचे आ जाएंगे और यहाँ आप एक्सेप्ट करेंगे तो आपकी कंपनी क्रिएट हो जाएगी। किसी भी स्क्रीन को क्लोज करने के लिए आप यहाँ क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे तो आप उससे बाहर आ जाएंगे। कंपनी में कोई भी चेंजेस करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए आप अल्टर पर क्लिक करेंगे या आप अपने कीबोर्ड से प्रेस करेंगे ए तो आप अल्टर में आ जाएंगे। यहाँ से आप कंपनी चूज करेंगे किसमें आप चेंजेस करना चाहते हैं। चूज करने के बाद आप एंटर करेंगे तो आपके सामने कंपनी की डिटेल्स आ जाएगी। यहीं से आप इसकी सारी डिटेल्स को चेंज कर सकते हैं जो आप चाहें। इसके बाद आप टैब प्रेस करते हुए नीचे आएंगे, यहाँ पर आपके सामने आ जाएगा एक्सेप्ट। आप यहाँ वाई प्रेस करेंगे तो यहाँ पर इसमें एडिटिंग कंप्लीट हो जाएगी, जो भी आपने अल्टरनेशन किया है वो यहाँ पर हो जाएगा। स्क्रीन को क्लोज करने के लिए आप यहाँ क्लोज बटन पर क्लिक करेंगे तो इस स्क्रीन से हम बाहर आ जाएंगे। इसके बाद बात आती है कंपनी को बंद करने की। अगर आप कंपनी को बंद करना चाहते हैं तो आप यहाँ शट कंपनी पर क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पर देखिए एच बोल्ड है, इसका मतलब एच शॉर्टकट है तो आप एच पर क्लिक करेंगे। यहाँ से आप कंपनी चूज करेंगे और एंटर करेंगे तो यहाँ पर देखिए कंपनी क्लोज हो चुकी है, यहाँ पर कंपनी का कोई नाम नहीं आ रहा है। अब बात आते हैं कि किसी भी कंपनी को डिलीट कैसे करें। कंपनी डिलीट करने के लिए या तो आप यहाँ कंपनी इंफॉर्मेशन पर क्लिक करेंगे या फिर आप यहाँ ऑल्ट F3 प्रेस करेंगे। यहाँ से आप ऑल्टर में जाएंगे, इसके लिए आप A प्रेस करेंगे, यहाँ से आप कंपनी चूज करेंगे। अब यहाँ पर इस कंपनी को डिलीट करने के लिए आप प्रेस करेंगे ऑल्ट प्लस D, इसके बाद आप यस करेंगे, वाई प्रेस करेंगे तो कंपनी यहाँ पर डिलीट हो चुकी है। अभी अगर हम सिलेक्ट कंपनी पर क्लिक करें तो यहाँ पर देखिए कोई भी कंपनी अवेलेबल नहीं है क्योंकि जो कंपनी हमने क्रिएट की थी उसको हम डिलीट कर चुके हैं। टेली से बाहर निकलने के लिए या तो आप यहाँ क्वाइट पर क्लिक करेंगे या फिर यहाँ पर क्यू बोल्ड है, इसका मतलब ये शॉर्टकट है, क्यू प्रेस करेंगे, आपके सामने ये स्क्रीन आ जाएगी। या तो यहाँ पर आप इस पर क्लिक कर दीजिए यस या फिर आप वाई प्रेस करिए तो आप टेली से बाहर आ जाएंगे।